आज की स्लॉग की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग टाइम में दोस्तों, और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। अभी जस्ट दोस्तों बाहर आ गया हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसके कारण थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है। सूरज ज्यादा बस नहीं निकला है, वो भी निकल रहे हैं दोस्तों। अभी नहा के आ गया हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक नई ऊर्जा आ चुकी है भाई। दोस्तों बाइक बाहर में निकल गया है, क्या सही फ्रेम आ रहा है भाई मॉर्निंग टाइम में भाई। दोस्तों अभी एग्जाम वगैरह सबका कंप्लीट हो गया, सभी के सभी बाहर आ गए हैं और तुम्हारा भाई भी घर जाने वाला है भाई। कंप्यूटर क्या है, इसके घटकों को विस्तार से समझाइए एवं ब्लॉग डायग्राम बनाइए। तो दोस्तों हमारा मैगी बन चुका है। हे गाइस वेलकम बैक टू माइंड। तो दोस्तों आज की स्लॉग की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग टाइम में दोस्तों, और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। सबसे पहले आपको वही दिखाता हूँ, ये देखो आपको वॉच में दिखा देता हूँ भाई। सुबह के 4 बज के करीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अपन लोग पिछला व्लॉग दोस्तों मैं करीबन 1 बजे करीबन ना कुछ ऐसे ही सीन था, व्लॉग को एंड किया था। और अभी मॉर्निंग टाइम में दोस्तों 4 बज के 7 मिनट में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आज का अलग सा बन जाएगा दोस्तों हमारा एग्जाम का। तो आज मेरा एग्जाम है भाई और अभी 4 बज चुके हैं। तो मैं भाई थोड़ा सा रोड साइड टहलने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम से पढ़ाई कर रहा था, दिमाग घूम गया मेरा, थोड़ा सा घूमना फिरना भी बनता ही है भाई। अभी जस्ट दोस्तों बाहर आ गया हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इसके कारण थोड़ा सा ठंड भी लग रहा है। बट कोई गल नहीं भाई, सुबह सुबह नहाने से भी ना एक शरीर को ना एक अलग ही ऊर्जा प्रदान होता भाई, जो कि काफी अच्छा होता है। तभी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं सुबह सुबह नहाना चाहिए करके, जो भी हो बढ़िया है भाई। तो इधर अब भाई इधर कोई भी नहीं है भाई, सुबह 4 बजे एकदम से सन्नाटा है भाई हमारे इधर पूरे गांव तरफ, एकदम से देखो ना कोई भी ना जगह है। किसी के दरवाजे के पास जाके खटखटाऊं क्या, नहीं यार, किसी को नींद से जगाना अच्छा नहीं लगेगा भाई, नींद से डिस्टर्ब करना। वैसे भी भाई सुबह के 4 से 6 बजे के बीच में भाई बहुत जोर वाला नींद आता है भाई, तो इस बीच में भाई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे को भी गुस्सा लगता है भाई, ये सभी सीन है दोस्तों। इधर थोड़ा टहलता हूँ, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा स्टडी और करूँगा, उसके बाद सीधा वही 5:40 में पोलोंग नहाने के लिए चले जाएंगे। 20 मिनट लग जाएगा नहाने तक, उसके बाद फिर कपड़े उपड़े इधर उधर करके ना भाई आधे घंटे में अपन जो भी करना है होगा वो कर लूँगा, उसके बाद दोस्तों फिर निकल जाऊँगा 6:30 बजे कॉलेज। दोस्तों अभी सुबह हो गया भाई, देख सकते हैं आप लोग भाई, सूरज ज़्यादा बस नहीं निकला है, वो भी निकल रहे हैं। और अभी बरस वगैरह का यहीं करने भाई, अच्छा लग रहा है बाहर का मौसम सुबह सुबह का, बढ़िया है भाई। अब मेरे को लग रहा है कि रोज ही उठना चाहिए, और रोज ही उठूंगा भाई सुबह सुबह ना। दोस्तों अभी तुम्हारा भाई जा रहा है नहाने के लिए, तो नहा के आता हूँ और फोन को रख दिया हूँ चार्ज में। मेरे आते तक भाई चार्ज भी हो जाएगा, करीबन 70-80 हो जाएगा भाई, समथिंग। अभी 28 था भाई, तुरंत 36 हो गया, जस्ट आया हूँ अभी उधर रख के भाई। दोस्तों अभी नहा के आ गया हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक नई ऊर्जा आ चुकी है भाई, और जोश भी बढ़ गया भाई हमारा। तो यहाँ का भाई बढ़िया से सेटअप वगैरह हो गया भाई, कपड़े वपड़े पहन लिया हूँ, नीचे में ब्लैक पैंट स्लीपर और ऊपर शर्ट नॉर्मल सा, बाबा इलायची भी खा लेता हूँ, उसके बाद भी मौत अपना खा भी रहेगा, थोड़ा सा परफ्यूम भी मान लेता हूँ भाई। बस हो गया भाई, हो गया, बाबा इलायची मान लेता हूँ, उसके बाद भी फाइनल परसों जितना समय बचा है फिर अपन अपने टाइम के हिसाब से निकल जाएंगे कॉलेज। पहले अपने बाइक को भाई बाहर निकालता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसको साफ ऑफ करता हूँ भाई, कपड़ा वपड़ा मारता हूँ, उसके बाद फिर रेडी रहता हूँ भाई बाकी सभी चीज़ें, उसके बाद फिर आके ना पढ़ाई करता हूँ, फिर अपन लोग निकलेंगे फटाफट। दोस्तों बाइक बाहर में निकल गया है, क्या सही फ्रेम आ रहा है भाई मॉर्निंग टाइम में भाई, काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। बस धुलाया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा बेकार दिख रहा है भाई, बाकी तो गंदा ही गंदा है भाई। देखो ना इसे पूरे पीछे तरफ का सीट, ये देखो गंदा ही गंदा है भाई, धूल ही धूल है। तो इसको क्लीन करता हूँ भाई कपड़े से फटाफट अभी। दोस्तों उधर हमारा बाइक तो साफ हो गया है, और बारी है भाई पैसे की, चीज भी जमा करना है ना, तो यही कहने मम्मी ला के रख दिए हैं, इतना सारा पैसा है, तो इसको लेके जा रहा हूँ भाई। आज फिर से पटा दूंगा कंप्लीट, उसके बाद फिर फाइनल तो नहीं होगा, कुछ कुछ और बच जाएगा, तो उसको भी अपन करेंगे, स्कॉलरशिप भी है तो आना है ना भाई। भाई पूरे साल का डीसी का फीस लगता है भाई 12 से 13 हज़ार के अंतर्गत, समथिंग समथिंग कुछ ऐसे ही है, और कुछ कुछ खर्चा हो जाता है। टोटल बोल दिया जाए ना तो 15,000 रुपया समथिंग समथिंग खर्चा हो जाता है भाई डीसी में एक साल का भाई, और मिलता भी है भाई करीबन, मैम तो बोली है कि 9-10 हज़ार या 11-12 हज़ार कुछ समथिंग समथिंग उतना ही मिलेगा, जितना आप पे करेंगे ना उतना ही मिलेगा, ऐसा करके मैम बोल रही थी। बट मेरे को तो ना लगता है यार 2-3 हज़ार कट ही आएगा, मेरे को तो लग रहा है कि 8-9 हज़ार रुपये समथिंग समथिंग कुछ आएगा, जो भी है बढ़िया भैया आए तो उतना ही। अभी दोस्तों कंप्यूटर का ब्लॉग डायग्राम बना रहा हूँ भाई, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों कंप्यूटर का ब्लॉग डायग्राम ऐसे कुछ दिखता है भाई, इनपुट मेमोरी, यहाँ का नहीं प्रोसेसर भी डाल सकते हैं भाई, मेमोरी डिवाइस यहाँ करने भाई, क्योंकि इनपुट देने से भाई कंप्यूटर को अपन लोग देते हैं कुछ भी चीज़ रिस्पांस देते हैं, तो वो चीज़ प्रोसेसिंग करते उसके बाद फिर आउटपुट निकालता है भाई,
फिर लास्ट में रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट कंट्रोल सेंटर के साथ मतलब सहारे में भाई ये सब काम करते हैं भाई, समथिंग समथिंग कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं भाई, सभी के सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यही सी ना भाई 5 नंबर का था भाई। तो दोस्तों समय हो चुका है तो अपन लोग निकलते हैं फटाफट भाई बिना देरी किए हुए, यहाँ पे हमारा एनएस खड़ा है तो चलते हैं भाई यहाँ का। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ भाई, मजा आने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, बहुत हार्ड वाला है, मेरे को तो लकी ना रहा भाई, मेरे को मजा आएगा भाई एग्जाम वगैरह दिलाने में, बोले तो बहुत हार्ड वाले लिखता हूँ भाई, जो मेरे को समझ में आता है वो उतार देता हूँ भाई। अभी जा रहा हूँ दोस्त के साथ, दोस्त के पास, उसके बाद उसके साथ मैं निकलूंगा, उसका भी फीस वगैरह और कुछ कुछ चीज़ों का सही नेचर वगैरह नहीं हुआ है ना, इसलिए भाई दोनों जाएंगे साथ और फिर अपन लोग कंटिन्यू करेंगे अपना काम। दोस्तों दोस्त के घर आ चुके हैं, इधर से लड़के को पकड़ेंगे उसके बाद फिर अपन दोनों के दोनों जाएंगे फिर अपना काम कराएंगे भाई। तो अभी एग्जाम वगैरह सबका कंप्लीट हो गया, सभी के सभी बाहर आ गए हैं और तुम्हारा भाई भी घर जाने वाला है भाई, ये सभी मिले मेरे को, अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई। सबसे पहले मेरा रसीद है, रसीद को रखता हूँ साइड में, ये दोस्तों फर्स्ट चीज, इसी के सारे भाई मैं पेपर में एग्जाम में बैठा हूँ भाई, इसके बिना तो दिक्कत हो गया था भाई, और यहीं से निकलवा के भाई 10 रुपये में तुरंत, उसके बाद फिर जाके एग्जाम में बैठा हूँ भाई और बढ़िया से मेरा पेपर भी बन गया तगड़ा, आज तो मजा आ गया भाई पेपर बनाने में, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, ये देखो आप लोग भाई, कंप्यूटर क्या है इसके घटकों को विस्तार से समझाइए एवं ब्लॉक डायग्राम बनाइए। कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम आता ही है और आ ही गया भाई, मेरा नंबर बन गया भाई। आउटपुट क्या है, प्रिंटर के प्रकारों को विस्तार से वर्णन कीजिए, यही बस मेरे को नहीं बना कहा क्योंकि प्रिंटर पढ़ा ही नहीं था ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है इसके प्रकारों को उचित उदाहरण द्वारा वर्गीकृत कीजिए, ये भी बनाया हूँ सॉफ्टवेयर, कल अपन लोग पढ़ ही रहे थे इसके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये भी बन गया भाई। कंप्यूटर वायरस से क्या तात्पर्य है इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए एवं वायरस के रोकथाम के बारे में लिखिए। काफी गया भाई हमारा आज के एग्जाम, तो घर जाकर आप लोगों को बताता हूँ विस्तार से और फिर और कुछ चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। भैया का टाइम हो रहा है जाने के लिए ऑफिस, तो चलते हैं भाई फटाफट। दोस्तों अभी घर आ गया भाई, हालत दिन हो गया भाई, बाहर का सीन देखो ना, इतना घाम है भाई, इतना ताबड़तोड़ का भाई, समझ में ना आ रहा है। चेहरा वाला धो लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर अपन लोग बात करते हैं आराम से यार, हालत दिन हो गया ना एकदम से, देखो चेहरा भी एकदम से अजीब तरीके से दिख रहा है भाई, घाम में आया हूँ प्लस इतना टाइम से लिख ही रहा था भाई, हालत दिन हो गया यार। तो दोस्तों अभी भाई चेहरा वाला धो के खाना वाना खा के एकदम से चकाचक रेडी हो गया दोस्तों। तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं भाई कॉलेज में ना कॉलेज गया था एग्जाम दिलाने के लिए, उसमें मैं अपना एग्जाम को मस्त दिला रहा था भाई, मेरे को समझ में आ रहा था भाई, बहुत सारी चीजें समझ में आ रहा था भाई, क्योंकि मैं इधर से थोड़ा सा पढ़ा था रात को, वही पढ़ाई किया था रात को ना, तो मैं वो बहुत सारी चीजें मतलब सभी नहीं बोलता भाई, अधिकार बोले तो भाई। देखो यार इसमें ना 7 क्वेश्चन है टोटल में, इसमें दोस्तों दिया गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यही सीन है दोस्तों, इसी कारण मैं भाई एकदम शोर था। और आप लोगों को बता दूं इसमें भाई ओनली फॉर 7 क्वेश्चन है जिसमें से 5 बनाना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां, 7 क्वेश्चन है भाई और जिसमें से 5 तो इजी है, इजी टू इजी, बहुत हार्ड इजी वन, जिसमें से भाई करीबन 5 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे भाई, मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा भाई। तो इन सब चीजों में आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, मैं तो भाई अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिलाया था, मेरे को समझ में आ रहा था भाई, कंप्यूटर में पढ़ के भी नहीं जाता दोस्तों फिर भी मैं इतना बना लेता, सॉफ्टवेयर बस थोड़ा दिक्कत जाता है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, क्लास ही अटेंड नहीं किया हूँ ना सॉफ्टवेयर का, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होता सॉफ्टवेयर में, बट मेरा दोस्त कल चंद्र प्रकाश भेज दिया था इसलिए भाई कल उसी के बारे में पूरा पढ़ाई कर दिया भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो तीनों के बारे में भाई पूरा का पूरा लिख दिया भाई। सबसे पहले इसी को बनाया भाई, 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को बनाया भाई, 20-20 नंबर का सब है, इतना आसान था भाई ताबड़तोड़। आप लोगों को मेन रीजन बताता हूँ, उधर हुआ क्या, मैं कॉलेज में अच्छे से अपना एग्जाम दिला रहा था तो 2-4 लड़कों को देखा मैं, वो तो ऐसे चुप बैठे थे ऐसे, अरे कुछ तो लिखो रहे भाई, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, प्रिंटर आउटपुट क्या है, आउटपुट तो एकदम इजी है भाई, जब भी आप लोग कंप्यूटर को आदेश वगैरह देते हैं किसी कार्य के लिए तो इनपुट डिवाइस इनपुट के सहायता से लेता है, उसके बाद फिर आगे चल के कंप्यूटर के अंदर फिर वो प्रोसेस करता है, हम जो बोलते हैं वो इनपुट के सहारे ही जाता है, फिर आगे चल के प्रोसेस है, तो उसके बाद फिर आउटपुट होता है, जो आउटपुट मेन रिजल्ट जो कार्य होने के बाद रिजल्ट निकलता है, आउटपुट के सहारे निकलता है, उसी को आउटपुट बोलते हैं भाई। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ही आसान चीजें भाई, बहुत सारे नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार, तो लेन मेन वेन पेन और एक और है, एक दो और है, तो ये 3 है मेन, लेन मेन वेन और एक प्रश्न दे दिया नेटवर्क, तो ये दोस्तों बहुत इजी है, बट कई चूजे तो एकदम से बैठे थे भाई, एकदम से यार कुछ तो लिखो भाई, मेरे को क्वेश्चन देखे भाई मेरे को समझ में आ जाता है, और मैं सच बताऊं भाई तो मैं भाई क्वेश्चन पढ़ता हूं उससे पहले जो मेरे को समझ में आता है उसके बाद फटाफट लिख देता हूं, अब ऐसा नहीं है कि तुक्का वाला, समझ में आता है वो चीज मेरे को पता ही होता है,
क्योंकि वो चीज मैं पहले पढ़ चुका होता हूँ भाई। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पिछले व्लॉग में कि मेरा थोड़ा सा माइंड टीचिंग ना थोड़ा सा बढ़िया है, इसलिए भाई जो मैं क्लास में मैम लोग पढ़ाती है ना उतने समय दो चार शब्दों को सुनने होता हूँ, तो मेरे को वो सभी चीजें नॉलेज हो जाता है भाई, और फटाक से मैं अपना एग्जाम वगैरह अच्छे से भी दिलाता हूँ। तो मैं जाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ता हूँ भाई अच्छे से, उसके बाद फिर दोस्तों मेरा लिखना स्टार्ट होता है, उसके बाद हाथ हाथ दर्द करने लगता है भाई, इतना ज्यादा लिखता हूँ। और भाई मैं सच बताऊँ तो कल पूरी रात पढ़ाई किया था भाई, और आज स्टेबली लिख के आया हूँ भाई। मेरे को लग रहा भाई 100 नंबर का अंक है तो 50 से ऊपर मिल ही जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, एक ही रात में ऐसे निकाल लेता हूँ भाई कि पास हो जाता हूँ। अभी दोस्तों मेरे को अपना नींद भी पूरा करना है भाई, पूरी रात जग के भाई हालत बिन हो चुका है, अभी थोड़ा सा आराम करता हूँ दोस्तों, अपन लोग मिलते हैं शाम को। तो अभी सो के उठ गया हूँ भाई, मेरे को जोर से भूख लग रहा है, इसलिए जा रहा हूँ मैगी लेने के लिए। खाना वाना तो नहीं है तो मैगी खाता हूँ भाई अभी भरे दोपहर में। दोस्तों अभी मैगी लेके आ चुके हैं, मैं मम्मी बस हैं तो दोनों को खाएंगे भाई, 4 पैकेट लेके आ गए, इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। तो दोस्तों हमारा मैगी बन चुका है भाई, तो अभी इसको खाते हैं, उसके बाद फिर शाम 5 बज जाएगा भाई, फिर समथिंग समथिंग इधर उधर आधे घंटे और फिर व्यतीत करेंगे, फिर अपन लोग घूमने निकल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी सोकर उठ गया हूँ भाई, शाम हो गई, ये देख सकते हैं भाई बाहर का माहौल, बाहर का मौसम वगैरह काफी तगड़ा है भाई, नॉर्मल सा मस्त वाला। तो निकलता हूँ दोस्तों अपन लोग घूमने के लिए, कहीं जाने का मूड नहीं बन रहा है दोस्तों, इसलिए अपने घर के छत के ऊपर में आ गया हूँ। वैसे भी भाई हमारा वीडियो आज का ना बहुत ही बड़ा हो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है, इसलिए भाई आज ज्यादा वीडियो अपन लोग नहीं बनाते भाई। तो दोस्तों इस व्लॉग वीडियो कहीं कहीं दिन का तो हम ऐसा क्या लोग आज के ये वाला व्लॉग पसंद आगे, पसंद आगे तो उस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।